हेलो, मैं मनप्रीत फ्रॉम मेस्कॉन प्राइमरा। आज मैं ये वीडियो बिहाफ ऑफ होम सर्च बना रही हूँ। अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट एस्कॉन के बारे में सैंपल फ्लैट की वीडियो दिखाऊंगी, लोकेशन के बारे में बताऊंगी एंड एनी अदर फीचर्स जो हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उनके बारे में बताऊंगी। अब मैं अपने प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 22 एकड़ में है, जिसके अंदर हम फेसेस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पहले हम फेस वन की कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर फेस टू की कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फेस वन है, फेस वन के अंदर हमारे पास 2 BHK है, 3 BHK है, 3+1 है, जिसके अंदर मेरे पास 1350 के फीट का फ्लैट है, 1550 के फीट का फ्लैट है एंड 2250 के फीट का फ्लैट है, जिसकी मैं अभी आपको सैंपल की वीडियो दिखाऊंगी। सैंपल में जाने से पहले मैं अगर कनेक्टिविटीज़ की बात करूं तो जिस लोकेशन पे राइट नाउ हम लोकेटेड हैं, दिस इज़ द PR7 रोड, जिसे हम रिंग रोड भी बोलते हैं। ये जो लोकेशन है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ हाईवे। यहाँ से आप अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो आप अम्बाला हाईवे से कनेक्ट हो जाते हो, ये आपका हरियाणा की तरफ कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये आपका मोहाली की तरफ कनेक्टिविटी आ जाती है। यहाँ से बिल्कुल स्टेट अगर आप जाओगे तो आप पंजाब की तरफ कनेक्ट हो जाओगे। देन यही रोड जो बिल्कुल स्टेट मैं आपको बता रही थी, जो हरियाणा की तरफ कनेक्टिविटी है, वो बिल्कुल स्टेट जाओगे तो वो हिमाचल की तरफ से भी कनेक्टेड हो जाती है। चलो अब चलते हैं हम सैंपल फ्लैट की तरफ, आइए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बाहर के फीचर्स कनेक्टिविटीज़ के बारे में, अब मैं आपको लेके आई हूँ सैंपल फ्लैट के बाहर। अब हम देखेंगे पहले 2250 के फीट का सैंपल फ्लैट, जो कि लविश एंड ब्यूटीफुल तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। प्लीज़ कम। सो गाइज, हम आ गए हैं सैंपल फ्लैट के अंदर। ये हमारा मेन डोर है, जिसकी हाइट 8 फीट बाय 4.5 फीट है, जिससे पहले हमने एक फोयर एरिया दिया हुआ है, जो कि आपके घर की प्राइवेसी को मेंटेन रखने में आपके बहुत ही काम आएगा। अब हम आ चुके हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जो कि 2250 के फीट का है। देखिए 2250 के फीट में हमने काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम एरिया दिया हुआ है। इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि बिल्कुल ड्राइंग रूम के बाहर हमने जो ग्लासेस दिए हैं, वहाँ से आपकी जो नेचुरल लाइट है ना, वो ड्राइंग रूम में 99% आ रही है, आप देख सकते हैं। ड्राइंग रूम के बाद अगर मैं बात करूँगी तो इसके साथ का जो स्पेस है, ये हमारा पूजा रूम कॉर्नर है। पूजा रूम कॉर्नर की जो पार्टीशन है, वो आप पार्टीशन करके आप इस एरिया को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं। आप चाहे तो इसे लाइब्रेरी एरिया बना लीजिए, चाहे आप मंदिर बना लीजिए। प्लस इसके साथ में ये आपका डाइनिंग एरिया है, जो कि हमने एक अलग से स्पेस बना के दी हुई है आपको। अब मैं आपको लेके आ चुकी हूँ किचन एरिया के अंदर, जो कि एस्कॉन की किचन जो है वो सबसे इम्प्रेसिव किचन है, बिकॉज कि इसमें हमने स्पेस एरिया जो दिया हुआ है, स्पेस जो दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे हमने किचन में जो पार्ट बनाए हैं, वो ब्रेकफास्ट टेबल के लिए अलग से बनाए हैं, वॉशिंग एरिया के लिए अलग से स्पेस बनाया हुआ है। आइए अब हम किचन के बाद चलते हैं रूम की तरफ, चलिए। अब हम इस घर के सबसे पहले रूम की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द रूम। रूम के साथ में ही आपका एक स्टोर रूम आ जाता है, प्लस इसके साथ ड्रेसिंग एरिया रहेगा एंड आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम के साथ ही आपकी एक बड़ी बैल्कनी है, जो कि हर रूम के साथ आपकी अटैच्ड रहेगी। अब हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम में, जिसके साथ फिर से आपका एक वॉशरूम अटैच है, प्लस इसके साथ आपकी बैल्कनी अटैच है। देन यहाँ पे मेरे पीछे बैक साइड में आप देख रहे हो, ये आपकी फुल वॉल कबर्ड्स रहेंगी। अब हम आ गए हैं इस फ्लैट के थर्ड बेडरूम में, इसके साथ आपके फिर से वॉशरूम अटैच है। देन इसके साथ मास्टर बैल्कनी है, जो कि आपकी ड्राइंग रूम से भी अटैच्ड है, प्लस इसके साथ गेस्ट बेडरूम के साथ भी आपकी अटैच्ड रहेगी। आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें।